तो दोस्तों, हमारी इंसानी फितरती ऐसी है कि हम जो चीज जैसी होती है उससे हम उसको अलग देखना पसंद करते हैं, उसी चीज को बार बार एक जैसा देख के हम बोर हो जाते हैं। जैसे कि फोन की स्क्रीन हमें टीवी पर देखनी अच्छी लगती है, टीवी की स्क्रीन को हम छोटी फोन की स्क्रीन में देखना पसंद है, और ऐसे में हमारे फोन में बहुत सारी एप्स होती है और वो सभी एप्स के आइकन हमेशा से एक जैसे ही होते हैं, तो क्यों ना उसको अगर अलग कलर में और अलग मतलब पूरा अलग ही हम उसको देखें तो कैसा मजा आएगा। तो आज मैं आपको ऐसी एक बढ़िया सी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने फोन की कोई भी एप्स का कलर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो, साइज छोटी बड़ी करना, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो पूरी देखना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि किसी को शायद इसके बारे में नहीं पता है। पर एक सेटिंग भी है जो कि आपको करनी होगी अगर आपके फोन में ये ऐप अच्छे से चलती नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे इस ऐप को यूज करना है। तो ये वाली ऐप है आइकन चेंजर फ्री, प्ले स्टोर पे 1 मिलियन डाउनलोड है और 4.2 की रेटिंग है, और ये काम के लिए बहुत ही अच्छी ये ऐप है। और अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ, वो आप ध्यान में रखिएगा वरना आपका फ़ोन जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो और अगर नहीं चलती है तो भी उसके लिए मैं एक सेटिंग बताता हूँ, वो कर देना। तो यहाँ पे ये ऐप है और कुछ भी है नहीं, सिंपल है। यहाँ पे आपको सिर्फ बीच में क्लिक करना है और आपके फ़ोन की जितनी भी ऐप है वो आ जाएगी यहाँ पर। और आगे मैं अभी एक और इम्पोर्टेंट बात और सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे जो कलर है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल ऐप पे टैप करना है, फिर यहाँ पे चेंज में कुछ आएगा नहीं आपको। यहाँ पे आपको डेकोरेट पे टैप करना है और यहाँ पे देखिए जो मेन ऑप्शन है वो आपको मिल गए। यहाँ पे हुई जो है वो आप अगर चेंज करोगे तो इसका कलर चेंज होगा। तो यही है बेसिकली, कलर चेंज करने के लिए काफ़ी सिंपल है। बस ऐसे देखिए ग्रीन रखते हैं और यहाँ पे इसका सेचुरेशन मतलब कि जो वो कलर है वो और ज़्यादा ब्राइट दिखेगा ऐसे, तो ये रख लीजिए। फिर यहाँ पे सिंपल है, आपको समझ में आ ही जाएगा कि कॉर्नर जो है वो आपको और राउंड करने हैं या नहीं करने हैं, वो सब है यहाँ पे। फिर साइज़ छोटी बड़ी करने का है, कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, यही है। फिर ओके कर देना है, यहाँ ऊपर से ओके करना है। बस यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर मिलेंगे, तो देखिए ऐप जो है वो पूरी अलग ही दिखेगी। तो ऐसे आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो। अभी हम ग्रीन ही रखते हैं, मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन। और यहाँ पे चेंज में आप जो है वो यहाँ से आप गैलरी में से अपना फ़ोटो भी रख सकते हैं आइकॉन की जगह। तो ये बस यही था, इस ऐप का टोटल जो मेन्यू था वो यही था। तो बस जैसे ही आपका हो जाए तो ओके करना है, तो बस 1-2 सेकंड में यहाँ पे सेव हो जाएगा। और अगर ये ऐप आपके फ़ोन में नहीं चलती है, मतलब कि आइकन आपको नहीं दिखता है अलग, तो आपको करना क्या है, मेरे फ़ोन में भी ऐसा था फिर मैंने बाद में किया। तो आपको क्या करना है कि आप अपने सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जो अपनी इंस्टॉल ऐप दिखाता है अपने फ़ोन में जो भी है, तो वहाँ पे जाइए और वो जो ये जो ऐप है आइकन चेंजर उसे सिलेक्ट कीजिए। तो अभी ये वाली ऐप है, तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने फ़ोन EMI का अगर आपका फ़ोन है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अदर परमिशन में आपको देखना है, और अगर आपका जो भी फ़ोन है तो आप वहाँ पे देख लो, ऐप की जो परमिशन है उसी में आता है। तो यहाँ पे अगर आपका ये जो होम स्क्रीन शॉर्टकट है वो अगर यहाँ पे कैंसिल होगा तो आपकी ऐप का आइकन है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है वो अलाउ होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होम स्क्रीन शॉर्टकट, तो इसी वजह से जो आपका आइकन है वो बन के बाहर आएगा। कैसे कर दीजिए, इसके बाद आपकी ऐप चलेगी। और ये देखिए अभी जो मैंने किया था उसका कलर चेंज हो गया है, और ये ऐप जो है वो मेरे फ़ोन में ओरिजिनल भी है। ये रही देखो, ये ऊपर यहाँ पे, और ये दूसरी आ गई। तो ये जो दूसरी है वो कोई भी स्पेस नहीं खाएगी आपके फ़ोन में, ये वो ये यहाँ पे आप अगर टच करोगे तो वो डायरेक्ट ओरिजिनल ऐप ही ओपन होगी, लेकिन ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और एक और बात कि यहाँ पे आप गलती से ये मत कर देना कि आप आपको अगर ये नया आइकन अच्छा लगता है तो आप ओरिजिनल वाली ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, तो फिर कोई भी नहीं चलेगी, ये वाला आइकन भी चला जाएगा। तो ये पक्का ध्यान रखना कि आप ओरिजिनल ऐप को अनइंस्टॉल ना करो। तो बस यही था वीडियो में, तो बस इतना ही था, और मैंने जो कहा उसका ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बटन दबाकर स्क्रीन पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरी ये पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।